बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। इसमें लोटराम लोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर 11 सीटों पर अलग चुनाव हुए थे और एक सीट पर अलग हुआ था, कुल मिलाकर 12 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 12 सीटों पर ज्यादातर पर एक पर जो समाजवादी पार्टी जीती हुई थी और एक पर बीएसपी जीती हुई थी, बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी जीती हुई थी। तमाम जितने लोग थे इन उपचुनावों को जो है कुल मिलाकर देख रहे, कोशिश ये कर रहे थे कि ये यूपी की सत्ता से पहुंचने से पहले उपचुनाव जो है वो एक सेमीफाइनल की तरह है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी इन उपचुनाव में जीतेगा वही 2022 के विधानसभा चुनाव जीत पाएगा। लेकिन चुनाव के नतीजे जब आए तो बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट, जो कि उनके जलालपुर जो उनकी सीट खाते में थी वो भी उनके हाथ से निकल गई। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हुआ, उनको 3 सीट मिली और बीजेपी ने भी अपनी सीटें गवाई, लेकिन फिर भी अपना अच्छा खासा प्रदर्शन बरकरार रखा। कुल मिलाकर हम समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव है विधानसभा के, लेकिन उससे पहले पंचायत के भी चुनाव है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को चुनौती देने के लिए दो मजबूत पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब इन दोनों के सामने क्या चुनौतियां हैं और कौन सी पार्टी इन मजबूत चुनौतियों पर खरी उतरेगी और विपक्ष की मजबूत आवाज बनकर यहां से योगी आदित्यनाथ को उखाड़ पाएगी, ये आप खुद तय करके नीचे कमेंट करके जरूर जरूर बताना। आपको बता दें कि सबसे पहली जो मजबूती है वो है संगठन को मजबूत करना। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा साथ चुनाव लड़े थे, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का संगठन कमजोर पड़ गया था। आपको बता दें कि जो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी वहां पर बसपा कमजोर हो गई और जहां पर बसपा के खाते में सीट आई वहां समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई। अब यहां पर अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करना इन दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसी भी हालत में इन दोनों ही जगहों पर अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा करना, फिर वहां से चुनाव लड़वाना और इतने जिताऊ कैंडिडेट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर हो रखा है। दूसरी आपको बता दें कि बीजेपी जिसे सत्ता बल बाहुबल या किसी भी तरीके का हर तरीके का हथकंडा बीजेपी के पास माना जाता रहा, जहां तक कि ईवीएम का भी सवाल खड़ा होता रहता है, इन तमाम मुद्दों से बीजेपी से ये दोनों पार्टियां किस तरीके से पार लेगी, क्या चुनाव से पहले ईवीएम या इन तमाम मुद्दों पर आंदोलन करेगी या फिर चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम का रोना रोया जाएगा, ये भी देखना बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बीजेपी की पोल खोलना। आपको बता दें कि बीजेपी ने कोई खास काम नहीं करवाया, लेकिन उसके बावजूद उनकी मीडिया सेल, आईटी सेल और जो टीवी चैनल होते हैं, मीडिया चैनल होते हैं, वो तमाम लोग मिलकर उनकी पब्लिसिटी इस तरीके से करते हैं कि बीजेपी ने जो काम नहीं किया उससे भी अच्छी ज्यादा उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। यानी इन तमाम चीजों का तोड़ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को ढूंढना होगा कि किसी भी तरीके से करके येन केन प्रकारेण करके उनको बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनाए जो अपने उन्होंने काम किए थे वो जनता तक हर हाल में पहुंचाने और बीजेपी के झूठ का पुलंदा हर हाल में खोलना होगा। अगर ये तीन काम कर लेती है तो दोनों पार्टियां अच्छा खासा प्रदर्शन करके सत्ता हासिल कर सकती है, नहीं फिर यहां पर भी चुनौती बहुत ज्यादा कांटे की देखने को मिल सकती है।